गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास फाइव. मैंने आज लेसन मैं क्लास टेन लेसन टेन कर रही हूँ. विशेषण जो मैं ख़त्म कर दी हूँ, फिर भी मैं तुम लोगों का एक्सरसाइज नहीं कराई हूँ, इसीलिए करा रही हूँ. नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उनमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं तथा उन शब्दों को विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द जुड़े हैं. ठीक है, यह एक मकान है, तो यह क्या हुआ आपका सर्वनाम, और ये क्या है मकान, आपका संज्ञा. एक क्या हुआ विशेषता. ठीक है, यह ऊंचा विशाल और सुंदर है, यह हो गया फिर सर्वनाम, ऊंचा विशेषण, विशाल विशेषण, सुंदर विशेषण. ठीक है, क्योंकि ये तीन चीज बता रहा है मकान कैसा है. यह ऊंचा मकान के बारे में बोल रहा है, यह ऊंचा विशाल और सुंदर. ठीक है, एक भी होता है विशेषण ही, कि कितने कैसा, ये दोष प्रश्न जो आते हैं उसका उत्तर जो आता है वही है विशेषण. विशेषण का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता से बताना, मतलब डिटेल्स में उसको डिस्क्राइब करना, बताना उसके बारे में. ठीक है, उसके मुख्य दरवाजे, दैट इज एडजेक्टिव इन इंग्लिश, उसके मुख्य दरवाजे तक पर चढ़ने के लिए तीन सीढ़ियां बनी हैं. इसके, इसके मीन्स अगेन सर्वनाम, किसके, कोई नाम होगा उसके नाम के जगह में इसके, मुख्य दरवाजे, मुख्य दरवाजा मीन्स इट्स अ नाउन. ठीक है, मेन डोर तक चढ़ने के लिए, क्रिया है चढ़ना, और तीन सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां, तीन सीढ़ियां, फिर से होगा संज्ञा और तीन होगा तुम्हारा विशेषण. इस मकान के सामने दो छोटी लड़कियां बैठी हैं. इस मकान, मकान विल बिकम संज्ञा, दो विल बिकम कैस, क्या दो क्या है, दो लड़कियां, मतलब ये है विशेषण. छोटी लड़कियां, कैसी लड़कियां, छोटी विल आल्सो बी विशेषण, लड़कियां इज अगेन संज्ञा. तथा बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, पेड़ विल बिकम संज्ञा. बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े मतलब कैसा, बड़े बड़े, तो ये हो गया विशेषण. कुछ पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, पंछी हो गया तुम्हारा संज्ञा, आकाश भी हो गया तुम्हारा संज्ञा. ठीक है, और पंछी कुछ हो गया विशेषण. ठीक है, आपने इन पंक्तियों के दो दो प्रकार के शब्द देखे, एक तो संज्ञा सर्वनाम के शब्द और दूसरे कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं. जैसे ये मकान के बारे में प्रकट करता है, एक मकान है, फिर ये ऊंचा विशाल सुंदर है, मकान के बारे में कुछ प्रकट कर रहा है. ठीक है, कुछ ऐसा शब्द प्रकट कर रहा है जो उसका विशेषता बताता है. संज्ञा सर्वनाम, यह मकान, उसके दरवाजे, सीढ़ियाँ, लकड़ियाँ, लड़कियाँ, पेड़, ये सब है तुम्हारा संज्ञा. विशेषता क्या है, एक ऊंचा विचार विशाल सुंदर, तीन दो बड़े बड़े कुछ. ठीक है, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. जैसे यह एक ऊंचा, इस विशाल सुंदर, कुछ काला मोटा आदि विशेषण कहलाते हैं. मतलब कैसे, संज्ञा के बारे में क्या बोला, यह एक ऊंचा, यह मतलब भी है विशेषता, यह उसके बारे में बोल रहा है, यह एक ऊंचा, इस मकान, किस मकान, कैसा मकान, तो विशाल सुंदर, कुछ काला मोटा, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ठीक है, विषय, विषय मतलब द टॉपिक, विषय, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विषय कहते हैं. जो भी शब्द, जैसे मकान की विशेषता बताई जाती है, विषय क्या है, किसके बारे में, टॉपिक क्या है, जैसे टॉपिक तुमको मैं, यू गेट द टॉपिक, मदर, राइट पैराग्राफ ऑन मदर, राइट पैराग्राफ ऑन फादर, स्कूल, माय फ्रेंड एंड ऑल, तो विषय क्या है, देन यू हैव विच विषय, कौन से सब्जेक्ट, विषय का मतलब है सब्जेक्ट भी होता है, विषय का मतलब है होता है टॉपिक, तो ओके, तो कौन से टॉपिक पे है, मकान. ठीक है, मकान के बारे में क्या कहता है,
जैसे यह कमीज़ नीली है, तो विषय क्या है यहाँ पे? कमीज़ है। कैसा है? नीली है। विशेषता क्या है? नीला। ठीक है, इस वाक्य में दिस शर्ट इज़ ब्लू, सो व्हाट इज़ द विशेष विषय, मतलब टॉपिक इज़ व्हाट, अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग? कमीज, दैट इज़ शर्ट, एंड व्हाट टाइप इट इज़, दैट इज़ द विशेषता, मीन्स अबाउट इट व्हाट यू आर सेइंग, नीला। इस वाक्य में नीले विशेषता है और कमीज़ विषय है। ठीक है, कमीज़ क्या है? विषय है, उसके बारे में क्या बोला? नीला है। ठीक है, नाउ वेलकम बैक।